हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP48 ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? होप कि सभी लोग बढ़िया हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पदरी जोत, मैं और अजीत साथ में हैं, और साथ में है हमारी बाइक। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, एक्सीडेंट हो गया था मेरा हल्का सा, तो ये आप देख सकते हो फेस पे। तो उस वजह से थोड़ा वीडियोस नहीं बना पाया। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम पदरी जोत, और पुखरी के पास में भी पहुँचे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं आगे। ये पदरी जोत यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स के करीब है अभी, तो निकलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पुखरी मार्केट में, और यहाँ से अभी आगे की तरफ हम लोगों को जाना है। और ये जो रास्ता है ये जाता है मुस्कुन वाली तरफ, और द्वार महादेव वाली तरफ भी ये वाला रास्ता जाता है। तो इस तरफ अभी नीचे की तरफ हम लोगों को जाना है। काफ़ी लंबा सफ़र है, अभी जो वो पहाड़ दिख रहे हैं ऑलमोस्ट उस वाली तरफ कहीं हम लोगों को आगे जाना है। तो ये हम पहुंच चुके हैं कोटी, और हम लोगों को जाना है इस वाली तरफ। ये वाला जो रास्ता है ये जाता है तीसा बजराड़ू साचपास वाली तरफ, साचपास पांगी वाला ये रास्ता है, और ये जो आगे की तरफ का रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं अभी, तो ये जाएगा बलेई माता तेल का, और क्या बोलते हैं यहीं से होकर अपना बनीखेत के लिए भी ये रास्ता है आगे से, और इसी रास्ते पर हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, तो वो जाएगा किहार पदरी जोत जम्मू कश्मीर भद्रवाह वाली तरफ। तो उसी रोड पर हम अभी जाएंगे जो पदरी जोत वाली तरफ जा रहा है, उसी रोड पर, पदरी जोत वाले रोड पर ही आगे चल के आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाली तरफ भी जा सकते हो। तो ये हम पहुँचे हैं कोटी पुल ब्रिज, और काफ़ी हाइट है यहाँ से नीचे, और डैम यहाँ पे दलदल वाला सीन है, क्योंकि पानी उतना खास है नहीं अभी। तो सामने से आ रही है बस, और ये न्यू फ्रेम तो दूसरी तरफ जा रही है शॉर्टकट अपना क्या बोलते हैं बलिखेत वाली तरफ, और इस तरफ हम जाएंगे। अच्छा इंडिकेटर दिख रहा है, उस वाली तरफ हम जा रहे हैं अभी अपना क्या बोलते हैं पदरी जोत वाली। तो खतरनाक गर्मी क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके हैं ठंडे रास्तों के बीच, आसपास हल्का हल्का छोटा छोटा सा जंगल देवदार, और ये छोटी सी केव। तो आई थिंक दूसरी तरफ से भी होगी केव 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 केव। ओ भाई कहाँ है केव? उसी तरफ केव थी, हम देखते हैं इधर केव 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 केव। ये सामने है केव, देखते हैं कितना डीप है ये, चलो एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोगों को दिख चुकी है केव, और केव के अंदर अभी हम जाएंगे, भालू ना हो अंदर। तो ये मैनमेड केव है, ये दूसरी तरफ से काफी छोटी सी दिख रही थी। नहीं भाई इसके बाद कहाँ है कहाँ है कहाँ है ये, यहाँ तक के इस तरफ काफी अंधेरा है, आगे ना जाया जाएगा क्योंकि लाइट नहीं है मेरे पास, खतरनाक बनाई हुई है केव। और बकरियां ठहरती हैं यहाँ पर, कि बकरियों की स्मेल आ रही है अंदर। तो बढ़ेंगे अभी हम आगे ये ऐसे खूबसूरत रास्तों के बीचों बीच, देवदार जंगल हर कुछ सुपर्ब, और चलते। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सलोनी, वो आधा रास्ता हमारा कवर हो चुका है, अभी आधा ही हमारा आगे का बचा है, तो इजीली आज हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे।
अपने फाइनल वहाँ तक जहाँ आज हम लोग रुक रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिया थोड़ा सा क्राउडी है और तो ये मोड़ पर मंदिर और इसके बाद वैसा रास्ता स्टार्ट होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके का मनमोहक जंगलों के बीच में से रास्ता हर कुछ, जो कि वर्ल्ड क्लास फीलिंग। और साइड में ये बगीचा सेब का, अभी एप्पल सीजन भी आने वाला है, वो सेब भी लगे हुए दिखेंगे इस तरफ। और ऐसा देवदार के बीचों बीच चेक किया जाए, व्यू चेक किया जाए, घना जंगल रोड के नीचे की तरफ और रोड के ऊपर की तरफ जंगल ही जंगल। और भाई साहब जियो फाइबर भी है इधर, मान गए भाई, वाह क्या बात है, कुछ इस तरीके के नज़ारे। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं पुल के पास और यहाँ से लंगेरा अभी बच रहा है 25 किलोमीटर्स। और ये इस तरफ जो रोड है ये जाता है हिमगिरी वाली तरफ, हिमगिरी भी बहुत ही सुंदर जगह है, बट अभी हम आज उस वाली तरफ नहीं जा रहे हैं कि हमारा जो है जहाँ जाने का प्लान है वो इस वाली तरफ तिहार रोड पर, तिहार से आगे जाकर है। तो तिहार बच रहा है अभी 5 किलोमीटर, तो तिहार हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। और हमने अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलना था, वो भी मिल गया, उसके साथ भी आधा घंटा आराम से बातचीत की। और अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ और मौसम बना रहा है, मौसम बारिश वाला स्लोली स्लोली, तो देखते हैं कैसा रहता है मौसम भी। और तिहार हमने क्रॉस कर लिया है तो ऑलमोस्ट बचा होगा 20 किलोमीटर के करीब लंगेरा, तो यहाँ से 5 किलोमीटर बांदल एंड उसके बाद आएगा संगनी, और संगनी के बाद बचता है 10 किलोमीटर लंगेरा। तो देखते हैं कितना ही दूर है, अभी ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगेगा नहीं क्योंकि काफ़ी हम लोग नज़दीक पहुँच चुके हैं लंगेरा के। खूबसूरत वादियों के बीचों बीच मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है, ऐसे मौसम में खेलने का भी अपना ही मज़ा है। और कुछ मज़े करते हम लोग चल रहे हैं आराम आराम से, और कुछ इस तरीके का जो रोड है वो आप देख सकते हो, और रोड के आसपास भाई कमाल व्यू है, ये देवदार और ठंडा माहौल बिल्कुल। और अब आहिस्ता आहिस्ता बारिश का माहौल भी बन रहा है, देखते हैं क्या बनता है। तो फिलहाल तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली ऐसी वो नहीं है, मौसम हर कुछ साथ दे रहा है। बस थोड़ी देर ये है कि बारिश नहीं लगनी चाहिए, कैंप वगैरह सेटअप हो जाए, खाना वगैरह बन जाए अपना, उसके बाद बारिश हो या कुछ भी रहेगा तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हम लोगों को। फिलहाल अगर बारिश लगती है तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बाकी देखते हैं जो कुछ है सब ऊपर वाले पे डिपेंड है। और ये गांव और नीचे खेत और आगे की तरफ कुछ इस तरीके का रास्ता, और लोग यहाँ के लोकल लोग अपने काम धंधों में जुटे हुए। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, ये हम बर्बाद नहीं करना चाहते थे इस बार, ये लास्ट थोड़े टाइम से हम लोगों ने वीकेंड बर्बाद ही करे हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ आगे की तरफ नेटवर्क भी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, नेटवर्क भी नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हरियाली चारों तरफ, हरियाली, कहीं झरने दिख रहे हैं कहीं कुछ, तो हर कुछ, बस ड्राइव थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि रोड थोड़े कंजेस्टेड है, बट ये है कि मज़ेदार हर कुछ जगह है ये। चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, अब तो सफ़र हमारा 10 किलोमीटर के करीब का बच रहा है। तो ये 10 किलोमीटर ऐसे ही हरे भरे आगे तक रहने वाले हैं, उसके बाद
आएगा लंगेरा गांव, जहां पर मिलेंगे हमें भाई हमारे, एंड उसके बाद वहां रुकेंगे या देखेंगे क्या सिस्टम है वहां का। थोड़ी देर अगर रुकना हुआ तो वहां रुकेंगे और वहां से निकलेंगे फिर आगे की तरफ। अभी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरफ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे क्या बनता है। बाकी नज़ारे आप देख सकते हो, इन नज़ारों के आगे सब कुछ फेल है। लंगेरा 7 किलोमीटर, तो यहाँ से लंगेरा 7 किलोमीटर और खुंडी मराल है 17 किलोमीटर। तो हमारा जो आज का स्टे है वो खुंडी मराल है, तो 17 किलोमीटर्स टोटल हम लोगों को राइड करना है अभी। बट अभी 7 किलोमीटर्स के बाद रुकेंगे भाइयों के पास थोड़ी देर, एंड साथ में चलेंगे वहां से वो भी। और हवा चल रही है भाई, बिल्कुल ठंडी हवा। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मज़ा आ रहा है। इतनी इतनी बारिश का कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इतनी अगर बारिश रहती है, फुल डे भी अगर इतनी इतनी बारिश रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और गांव ये छोटा सा और घर आप देखते हो कुछ पुराने तरीके के। ड्राइव केयरफुली, केयर फॉर वाइल्ड लाइफ बिल्कुल। गांव क्रॉस करके हम लोग आगे आ चुके हैं यहाँ से। वाओ, वन मोर वाटर होल, ब्यूटीफुल। तो ऑलमोस्ट हम लोग लंगेरा पहुंच चुके हैं और बारिश भी तेज हो चुकी है और भीग चुके हैं हम। इतना नहीं भीगे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भीगे हैं, बट कपड़े गीले हो चुके हैं और ठंड भी लग रही है अब। तो हम लोगों को जाना है अभी थोड़ा सा आगे, वो चंबा लंगेरा बस वहाँ सामने है, HRDC खड़ी है और वो वहाँ सामने तक हम लोगों को जाना है अभी। तो वहाँ रुकेंगे बारिश रुकते तक, तो अभी रुकना ही पड़ेगा क्योंकि इस बारिश में आगे ना जाया जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी अगर इस बारिश में हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो बारिश रुकने का वेट करना पड़ेगा, तो आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम लोग इतना लेट नहीं है फिलहाल। तो लास्ट यहाँ तक बस आती है, इससे आगे बस वगैरह नहीं आती है। ये लास्ट पॉइंट है बस का लंगेरा, और इसके बाद जो है अपनी यही छोटी गाड़ियाँ रुकी हैं। लंगेरा के बाद आई थिंक आगे कोई गांव है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, कंफर्म मुझे भी नहीं है क्योंकि मैं आइडिया नहीं है, बहुत ही टाइम के बाद जा रहा हूँ मैं भी इस तरफ। और वो सामने ऊपर पहाड़ों पर बर्फ, एक्चुअली पहले गया हूँ पदरी जोत तक 2 बार, बट वो काफ़ी पहले, अभी तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये है सामने चेक पोस्ट, हिमाचल पुलिस चेक पोस्ट, तो वहाँ हम जाएंगे, रुकेंगे वहाँ, उनके साथ बात करेंगे। नेटवर्क नहीं होगा यहाँ, सबसे बड़ी बात, बिना नेटवर्क की जगह है ये। और देखते हैं क्या बनता है आगे का। जम्मू कश्मीर की गाड़ियाँ, JNK 08 एंड अपना HP 43 है हमारी बाइक का नंबर, HP 43। तो यहाँ रुकते हैं, ये है चेक पॉस्ट। तो ये बन चुकी है हमारी मैगी लंगेरा में, और भाई हमारे मिल चुके हैं हमें, ये भी हमारे साथ आगे चलने वाले हैं। तो करते हैं फर्स्ट बाइट मैगी का, इस ठंड में गर्मा गर्म मैगी बात ही कुछ हो रहा है, मज़ेदार। तो टाइम ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब का टाइम हो गया है और हम लोग अभी भी लंगेरा में हैं क्योंकि
बारिश बहुत ही हैवी बारिश हो रही है और कैंप वगैरह अभी अपना सेटअप नहीं कर पाए हैं, यहीं रुकने का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। गेस्ट हाउस वगैरह तो ऑलरेडी बुक है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो कैंप वूम्प का तो सारा प्लान कैंसिल है, कोई प्लान नहीं है कि कैंप होगा या कुछ। और ये हमारे पीछे की तरफ वो सामने लंगेरा गांव, तो अभी जा रहे हैं हम लंगेरा बस स्टैंड वाली तरफ, पहुंचेंगे अभी लंगेरा बस स्टैंड। उधर खाना वगैरह उसका कुछ देखते हैं अरेंजमेंट क्या बनता है। वैसे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट बारिश थोड़ी ज़्यादा लग गई और टाइम से पहले लग गई अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोगों को कैंपिंग का तो प्लान कैंसिल ही करना पड़ रहा है। अगर अभी भी शायद 20 मिनट में बारिश रुक जाती है तो हम आगे जाकर कैंप करेंगे, अगर नहीं रुकती है तो फिर तो मुश्किल है भाई। देखते हैं रात का क्या बनता है, तो मिलते हैं, देखते हैं आगे का। ये जल चुकी है हमारी आग और इस तरफ ये हमारा टेंट, और नेटवर्क भी यहाँ पर थोड़ा सा आया था, अभी फ्लक्चुएट हो रहा है बट नेटवर्क भी है। और ये टेंट हमारा सेटअप हो चुका है प्रॉपरली कैंपिंग, एंड भाई हमारे तो कैंपिंग हम लोगों को लंगेरा से पहले ही करनी पड़ी क्योंकि आगे कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो लंगेरा से थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पे एक जगह थी रोड के साइड में, तो रोड से थोड़ा सा नीचे उतर के यहाँ पर हम लोगों ने कैंप अपना सेटअप कर लिया है। एंड ये प्रॉपर जो है जुगाड़ हमारा दिख रहा है सारा, ये लाइट सामने लगी है और ये टेंट, आग, अजीत एंड भाई और एक और भाई हमारे। ओह ये है जो कुछ भी है फिलहाल। सो फाइनली हमारा कैंपिंग का प्लान सक्सेस हो रहा है और टेंट हमारा सेटअप हो चुका है एंड आग जल रही है, और इसके बाद अभी हम खाना वगैरह खाएंगे। आग जलाने के बाद आग वगैरह सेकेंगे, खाना वगैरह खाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो फिलहाल आग जलाने का ट्राई करते हैं पहले, फिर देखते हैं बाद में बाकी। ਸੋਚ ਸਜਾਉਂਦੀ ਅਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
सो फाइनली रात का डिनर वगैरह करने के बाद एंड सारा कुछ इंजॉय करने के बगैर